कैसे हो आप? चलिए आपसे आज एक स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, जो कि यूएस के जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये वायरल है अमेरिका में, और इवन नॉट ओनली इन अमेरिका, इवन इन यूरोपियन कंट्रीज। एक लेडी जिसने प्रेडिक्ट किया था कि जिस दिन वो मरेगी और जहाँ वो रहती है वो सारा एरिया तबाह हो जाएगा, वहाँ के सारे लोगों की लाशें पानी में तैरने लगेगी, और ऐसा हुआ भी था। ऐसा हुआ भी था। उसकी डेथ के बाद जो लोग उसे दफना करके आ रहे थे, ऑलमोस्ट वो इतनी फेमस थी उस टाइम में, वहाँ पे इतनी फेमस थी, एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर थी वो। क्यों थी, कैसे थी, आप आगे जानना वीडियो में देख करके। लेकिन उसकी डेथ के बाद जब जो लोग उसे दफना करके आ रहे थे, बहुत सारे लोग, मतलब कहा जाता है कि टाउन के बहुत सारे लोग थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो रात का टाइम था, शाम मतलब 7-8 बजे का टाइम ऐसा कुछ था, और एक बहुत खतरनाक हरिकेन ने, हरिकेन का मतलब जैसे हम इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट किया, उसमें 300 लोग मर गए थे उस रात। इससे भी मिस्टीरियस बात यह है कि कुछ लोग मतलब जो लैंड के हायर साइड पे थे जब हरिकेन आया, तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनको किसी तरीके से, वहाँ पे उस टाइम में रेलवे कंस्ट्रक्शन का कुछ साइट एक चल रहा था, जहाँ पे रेलवे लोको शेड कहते हैं ना, जहाँ पे आपने जैसे आप रेलवे में घूमते हो, इंडिया में घूमते हो, तो आपने देखा होगा रेलवे लोको शेड, मतलब जो रेल या इंजन या जो भी बॉगी होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए एक शेड होता है, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब इतनी आसानी से गिरता नहीं है। तो 25 लोग वहाँ पे, 25 लोग वहां पे जाकर के उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शेड भी गिर गया था, वो भी उस तूफान का शिकार हो गया था, और सारे लोग मर गए थे 25 के 25। अब मैं बताता हूं कौन थी वो। उन्हें माना जाता है जूलियन ब्राउन के नाम से, मतलब जूलियन ब्राउन के नाम से उन्हें जाना जाता है, माना जाता है आज भी। वो एक ब्लैक लेडी थी। ब्लैक लेडी मतलब अमेरिका में जितने भी ब्लैक्स हैं ना, वो वेस्टर्न अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका से आए हुए हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखोगे, जो गुलामी का टाइम था, कि जब इसको स्लेव, इनको अमेरिका अफ्रीकन्स को स्लेव बना करके ले जाते थे अमेरिकन्स वहाँ पे काम कराने के लिए, लेडीज़ को भी ले जाते थे, जेंट्स को भी ले जाते थे। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मतलब इनके टाइम से 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है ये सब। उनका जो ओरिजिन था वो अफ्रीकन था, अफ्रीकन। उनकी सारी हिस्ट्री तो कोई भी नहीं जानता, बट इतना इंफॉर्मेशन है कि जूलिया, उन्होंने शादी की थी 1880 में किसी वाइट से, अमेरिका में वाइट, वाइट मतलब जो गोरे होते हैं उससे, और वो काफी पावरफुल था वहां पे। इस टाइम इतना पावरफुल था कि उसको 40 एकर्स की लैंड मिली हुई थी एग्रीकल्चर करने के लिए। लेकिन हाँ, वो चूंकि उसकी वाइफ बन गई थी, वो जूलियन से इतना ज़्यादा इम्प्रेस था कि वो उसको समझता था कि हर तरह की इसके अंदर कैपेसिटी है हीलिंग करने की। मीन्स अगर दर्द हो रहा है तो हाथ रख दिया तो वो दर्द कम हो जाएगा, वो ऐसा मानते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चला कुछ दिन तक। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये किसी के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट के पास भी ये रिकॉर्ड नहीं है कि इन दोनों के कभी बच्चे हुए थे या हैं। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। मतलब वुडो प्रिंसेस, वुडो मतलब वहाँ पे भी, उस टाइम पे भी अमेरिका में लोग वुडो, वुडो देखिए, वुडो आया है, ये अफ्रीका से आया है, एक तरह का जादुई शक्ति जिससे आप किसी की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, जिससे आप किसी को बर्बाद कर सकते हो।
ये अफ्रीका से आया है, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका से आया है, वेस्टर्न अफ्रीका से, लाइक सेनेगल है, आइवरी है, घाना है, कैमरून है, नाइजीरिया है, यहाँ पे सब बहुत चलता, आज भी चलता है। तो लोकल्स ने उनको नाम दिया था जूली वाइट, जबकि वो ब्लैक थी। कुछ लोग जो वहाँ के ब्लैक थे, जो काले लोग थे, वो कहते थे जूली ब्लैक, मतलब इतना ज्यादा उनका पैट इतना ज्यादा हो गया था ना, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया था ना, मतलब वो तब की बहुत बड़ी पब्लिक फिगर हो गई थी उस जमाने में, उस एरिया में। ये किसी को भी नहीं पता है कि वो अमेरिका कैसे आई, मतलब क्या बैकग्राउंड था, वो आई या उनके माँ बाप यहाँ आए थे, ये किसी को भी नहीं पता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट ये सिर्फ मालूम है कि लुइजियाना में, मतलब एक लुइजियाना के आसपास एक जगह थी फ्रेनियर, वहां पे उनका इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस था ना, मतलब समझ लीजिए पूरी करता धरता थे वहां की, वो अफ्रीकन होकर के भी, वेस्टर्न अफ्रीकन होकर के भी, जिसको आज हम कहते हैं एफ्रो अमेरिकन, मतलब जो अफ्रीकन है, मतलब काले लोग जो होते हैं, इतना उनका ज्यादा, मतलब उनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा बन गए थे उस टाउन के अंदर, बहुत ज्यादा। किसी को भी कोई दिक्कत होती थी, मतलब सुना तो ये भी है कि लोगों का काम नहीं चल रहा है तो इनसे कांटेक्ट करते थे कि जूलियन प्रिस्टेस, जूलियन व्हाट शुड आई डू, ऐसी बातें होती थी वहां पे। सब कुछ सही चल रहा था उनका, अनफॉर्चुनेटली 1914 मतलब 1914 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और ये मैं बता चुका हूँ कि उनके बच्चे थे या नहीं थे, ये इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। उसके बाद वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ी क्या, हो सकता है ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई वो, और ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है आज तक, उनके बच्चे, इनके बच्चे के बारे नहीं पता है किसी को कि उनके बच्चे थे या नहीं थे, किसी को नहीं पता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा, कोई भी रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अभी तक ऐसा नहीं है। जैसा वहाँ के लोकल्स के बारे, जैसे लोकल्स वहाँ के बोलते थे उस जमाने के, कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि अगर किसी को बुखार आता था, मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, हम तो नहीं कह सकते कि बुखार था, टाइफाइड था, जो भी था, हम तो नहीं कह सकते ये बात, लेकिन किसी को भी किसी तरह की इलनेस होती थी या कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती थी तो जूलियन ब्राउन उनकी हेल्प करती थी। जूलियन ब्राउन का एक और फेस था कि अगर कोई उनके पास आता था और कहता था ये फला फला मेरा दुश्मन है, तो लोगों का मानना था कि वो उसको बर्बाद कर सकती थी, इतनी पावर थी उसके अंदर। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद जो वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ के लोग जो कहते हैं एक तरीके से इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गई थी ना, वो उसका बहुत सारा मल्टीपल रीज़न है, क्योंकि 1914 में उनकी डेथ हुई उनके हस्बैंड की, 1915 के कुछ टाइम पहले, 1915 मतलब आप कह लो कि 1915 जो शुरू हुआ था बिगनिंग में, तो फ्रेंच फ्रांस की कुछ कंपनी आ गई वहाँ पे उस इलाके में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और बिजनेस सबसे बड़ा क्या था, साइप्रस के पेड़, जो साइप्रस के पेड़ होते हैं उनको काट करके, मतलब बहुत सारा उनके प्रोजेक्ट था उनका, वो स्वैम्प लैंड था, स्वैम्प लैंड मतलब होता है, जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे अभी समझाता हूं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जैसे बंगाल है अपना, साउथ बंगाल, जो अपना बंगाल का सदर्न कोस्ट है ना, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है, जिसको आप सुंदरबन कहते हो, अगर उस फॉरेस्ट को काट दिया जाए ना, तो जो सदर्न बंगाल का जो एरिया है वो सारा तबाह हो जाएगा, ना वहाँ पे किसी तरह की एग्रीकल्चर या खेती हो सकती है, मतलब पानी काफ़ी चला जाएगा। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देख लेना कि इन्वायरमेंट के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जो कंपनी आई थी उन्होंने वो पेड़, मतलब उनका बिजनेस था कि उनको पेड़ को, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस पेड़ को काटना, इससे भी बहुत ज़्यादा नाराज थी, लड़ तो नहीं पाई क्योंकि उस टाइम की जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो उन बिजनेसमैन के साथ थी, उन बिजनेस एंटिटीज के साथ थी, वो लड़ नहीं पाई,
लेकिन वो गुस्से में जा करके पहाड़ में गिटार लेकर के एक कुछ गाना गाते थे। वहां के लोग कहते हैं, When I die, I take whole town with me. When I die, I take whole town. उसमें बहुत सारे और भी उसके वर्ड्स थे कि जिस दिन मैं मरूंगी सबको लेकर के जाऊंगी, जिस दिन मैं मरूंगी लोगों की लाशें तैरती हुई मिलेगी पानी में, जिस दिन मैं मरूंगी लोग बचेंगे नहीं यहाँ पे। उनको दफनाया जा रहा था, तूफान आया, सब कुछ अपने साथ लेकर के चला गया। ये रिकॉर्डेड है जो डेट मैंने बताया है, 20 सितंबर 1915। इसलिए मुझे कभी कभी तो लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि जूलिया ब्राउन का जो शाप था वो सही था। अब आप ये सोचिए ना कि रात के घने अंधेरे में पानी में तैरना, आपको वो भी काले अंधेरे में तैरना कितना डरावना है, जबकि पानी के जो लहरें हैं वो 15 से 20 फीट तक ऊंची है। इतनी ऊंची है, जोर जोर से आवाज आ रही है पानी के लहरों की टकराने की, और यार दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तब तो यही लगता है कि सच में ये कोई श्राप होगा। वहां पे इतने सारे ब्रिजेस गिरे हैं मिस्टीरियसली, उस इलाके में इतने सारे ब्रिजेस गिरे हैं, हाल फिलहाल में भी गिरे हैं, तो वहां के जो लोकल्स है वो आज भी मानते हैं कि ये इलाका शापित है, और उनको लगता है कि जो जूलियन ब्राउन थी उनकी आत्मा आज भी बहुत ज्यादा नाराज है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे तो बस ये लगता है मायूसी और कुछ, मुझे बहुत ज्यादा लगता है कुछ मायूसी और मिस्ट्री का मामला है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा। इसके बाद मुझे जो समझ में आया आज तक इसके ऊपर, जितना मैंने एनालिसिस किया है, उस पार्ट को लेकर के मैं आऊंगा सेकेंड पार्ट में कि ऐसा मुझे जो लगता है क्यों होता है। काफी सारी बातें मुझे समझ में आ गई है जो कुछ भी वहां हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई है, और वो मैं आपके सामने रखूंगा, ट्रांसपेरेंट होकर के रखूंगा, ओपन माइंड से रखूंगा। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस इंसिडेंट के बाद आज तक 40 से ज्यादा तूफान ने उस एरिया को हिला के रख दिया। मतलब जो लोग सरवाइव भी कर रहे थे ना किसी तरीके से, वो बर्बाद हो गए उस एरिया में 40 से ज्यादा तूफान। और एक और बात जो है, जो आपको या किसी को नहीं समझ में आएगा, शायद मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, कि जो वो एरिया था वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। मतलब अगर यूएस में जो क्राइम होता है ना, वो 33% ज्यादा उस इलाके में होता है, मतलब मर्डर। इसको भी श्राप से देख करके जोड़ा जाता है, मतलब वहां कोई श्राप है, वहां कोई कर्स है, वो इलाका शापित है।